नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विशाल पालवे। आज फिर से लेके आया हूँ चार लाइनें आप सबके लिए। तो ये जो महीना होता है चैत्र का महीना चालू है आजकल, चैत्र फाल्गुन चैत्र का महीना होता है और ये महीना बहुत ही प्यारा होता है। प्यारा इसलिए क्योंकि इस महीने में विंटर हमें अलविदा कहता है और समर हमें हाई कहता है, और यही नहीं और इस महीने में बादल भी हमें दर्शन देते रहते हैं। आपने सुना होगा कि कहीं किसी जगह पे बारिश हो रही है, कहीं बादल आए हैं, यू नो मौसम बहुत ही मस्ताना होता है। और ऐसे मौसम में अगर कोई कवि कविता ना लिखे तो उस कवि का कवि रहने में क्या फायदा है। तो ऐसे ही लास्ट ईयर मैंने चार लाइनें लिखी थी ऐसे मौसम पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चैत्र फाल्गुन का मौसम, जब ठंडिया भी जा रही होती है और गर्मियां भी आ रही होती है और उसमें बादल हमें अपना दर्शन देते हैं। तो लास्ट ईयर की बात है, मैं थोड़ा सा गुमसुम रहा करता था, तब मेरे जो दोस्त है उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ऐसे ही यू नो घर के ऊपर बैठता था एंड बादलों को देखता था। तो मेरा दोस्त कहता था कि भाई तू उन बादलों को क्यों देखता है, तू इस भरे आसमान को क्यों देखता है। तो मैं उनको कहता था कि देख भाई, मैं सवाल करता हूं उन बादलों से, जवाब मुझे बूंदों में मिलते हैं। मैं सवाल करता हूं उन बादलों से, जवाब मुझे बूंदों में मिलते हैं। मेरी शख्सियत अब ऐसी हो गई है जनाब, अब हम लोगों से कम कायनात से ज्यादा गुफ्तगु करते हैं, कायनात से ज्यादा गुफ्तगु करते हैं। अब आप कहोगे कि ये जो चार चार लाइनें वाली जो पोयम मैं लिखता रहता हूं, तो कब ऐसा कोई वक्त आएगा जब मैं पूरी कोई पोयम लिखूंगा? तो हाँ, जरूर लिखूंगा, जरूर हम किताब लिखेंगे, हमारी कहानी ऐसी लिखी जाएगी, स्वर्ग के अवसर आए हुए रोते हुए मुस्कुराएंगे। वक्त आएगा, थोड़ा सा इंतजार करना। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ तक ये पोयम सुनी, एंड मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मिस्टर केशव दादा का भी जिन्होंने ये पोयम रिकॉर्ड करने में हमारी बहुत सहायता की और ये सब पहनावा हमें करने में बहुत सारी सहायता की। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार मोहब्बत देते रहना। वी लव यू ऑल।